तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल एस्पिरेट टॉक्स में। मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स अबाउट होंडा SP125 BS6 कि जिसकी वजह से आपको अपनी कोई भी बाइक अगर आप 125cc में परचेस करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन वजहों से या फिर आपके अगर प्रायोरिटीज जो है उसे देखते हुए क्या आपको होंडा एसपी पे जाना चाहिए या तो फिर नहीं जाना चाहिए। यानी कि बेसिकली सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले कि SP125 में वो क्या खास चीजें आपको मिल जाती है इन कंपेयर टू जो दूसरी 125cc बाइक्स यहां पे कॉम्यूटर सेगमेंट में इंडिया में अवेलेबल है। तो अगर आप भी SP125 परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और ऐसे ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट जो यहां पे मुझे एसपी में नोटिस हुआ जब मैंने उसे रियल लाइफ में देखा, जब मैंने उसे रियल लाइफ में चलाया, तो वो है इस बाइक की फिट एंड फिनिशिंग क्वालिटी। नो डाउट कहीं जगह पे आपको इस बाइक में जो फाइबर पार्ट्स मिल जाते हैं उसमें थोड़े टाइम बाद आवाज आने लग जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी मेंटेनेंस टिप पे और आपकी जो ड्राइव केयरिंग है उसके ऊपर। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस बाइक के हर एक स्क्रू से लेके हर एक मडगार्ड की भी आपको फिट एंड फिनिशिंग क्वालिटी काफी ज्यादा शानदार अवेलेबल करवा दी जाती है, और ओवरऑल इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी भी आपको एक सुपीरियर क्लास की मिल जाती है। यानी कि अगर आप एक ऐसे बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं जिसे आप रूरल एरिया में भी लंबे टाइम तक चलाए और बाइक आपका अच्छी तरीके से साथ प्रोवाइड करके दे, तो आपके लिए SP125 बहुत ही शानदार ऑप्शन हो जाती है। दूसरा प्लस पॉइंट आ जाता है इस बाइक की लुक्स। अब यहाँ पे नो डाउट जो एसपी है उसके कंपैरिजन में ग्लैमर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर आउट कर दूं कि हम आज के वीडियो में पल्सर 125 को बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि वो इन चारों बाइक्स यानी कि सुपर, एसपी, शाइन और ग्लैमर के मुकाबले महंगी भी है और ज्यादा पावरफुल भी है, और साथ ही साथ वो एक स्पोर्ट कॉम्प्यूटर सेगमेंट को बिलोंग करते हैं इसी वजह से। तो अगर आप 125cc में कॉम्प्यूटर सेगमेंट प्रॉपर जितने भी बाइक्स बिलोंग करते हैं उसमें देखने जाओगे तो एसपी आपके लिए बेहद ही शानदार एंड स्टाइलिश लुकिंग भी लेके आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ग्लैमर भी है, वो नो डाउट बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव दिखती है, लेकिन फिर भी जो एसपी की कलर कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ वो डार्क ब्लैक एंड जो रेडियम कलर का कॉम्बिनेशन आता है, वो इस बाइक को और ज्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस गेन करके देता है और साथ ही साथ एक प्रीमियम वाला लुक भी प्रोवाइड करवा के दे देता है। अब जो थर्ड पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है अबाउट SP125 वो आ जाता है इस बाइक की फीचर लिस्ट, क्योंकि इस बाइक में आपको एक लंबी अच्छी खासी फीचर लिस्ट ऑफर कर दी जाती है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक काफी ज्यादा कंफर्ट, आपको एक काफी ज्यादा सुपीरियर फ्रंट में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि आपको शाइन या सुपर स्प्लेंडर ले लीजिए उन दोनों ही बाइक्स के मुकाबले काफी अच्छी बाइटिंग फोर्स प्रोवाइड करके देती है। और अगर आप हाई स्पीड में भी जा रहे हो तो यहाँ पे एसपी की जो ब्रेकिंग है वो काफी ज्यादा शानदार एंड आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगने वाली है। अब नेक्स्ट फीचर आ जाता है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर, जहां पे आपको रियल टाइम माइलेज भी देखने को मिल जाता है। हालांकि ये सिस्टम आपको ग्लैमर में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम डिजाइनिंग वाइज इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर देखने जाए तो वहां पे जो एसपी है वहां पे आपको काफी ज्यादा शानदार एंड स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग है। आपका ऐसा नहीं है कि वहां पे डिजिटल है तो वो थोड़े टाइम में खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि जो नई सारी BS6 कंप्लायंट बाइक्स आ रही है वहां पे कंपनी जो डिजिटल क्लस्टर दे रही है उसे भी टेस्ट किया जाता है, वो कहीं सारे टेस्ट से निकलता है, बाद में ही उसे बाइक्स में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट खराब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम और रेयर किस्सों में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आपको वहां पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट प्लस पॉइंट आ जाता है अबाउट SP125 वो है इस बाइक का पंची एंड रिफाइंड इंजन। नो डाउट इसकी पावर फिगर्स ऑन पेपर शाइन के मुकाबले थोड़ी सी कम है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखने जाते हो तो यहाँ पे भी ये शाइन के मुकाबले थोड़ी सी आपको कम लगेगी, ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन जो SP125 है उसका जो सिटिंग पोस्चर है और साथ ही साथ उसका जो राइडिंग पोस्चर है वो इतना ज्यादा शानदार आपको यहाँ पे इस बाइक में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको ना तो वो कम पावर वाली बाइक लगेगी और साथ ही साथ जो उसका इंजन है उसकी रिफाइनमेंट भी काफी ज्यादा शानदार है।
यानी कि वहां पे आपको एक, आपको सभी को पता है कि अब ऐसा ही टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि साइलेंट इग्निशन स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम, जो कि अब होंडा की हर एक बाइक में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि और वही सिस्टम आपको एसपी में भी देखने को मिल जाने वाले है। तो अगर आप एक साइलेंट स्टार्ट एंड स्टॉप वाली बाइक प्रेफर करते हो तो भी आपके लिए 125 सीसी सेगमेंट में एसपी काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट प्लस पॉइंट आ जाता है इस बाइक की, जो फ्रंट में आपको एलईडी लाइट प्रोवाइड कर दी जाती है वो। हालांकि कहीं लोगों का कहना और रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि एसपी की जो फ्रंट व्हाइट कलर का हेडलैम्प है वो नाइट ड्राइविंग के वक्त उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना कि ग्लैमर शाइन और जो सुपर स्प्लेंडर है उसका हेलोजन हेडलैम्प। लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूं कि अगर आपको शानदार लुक से चाहिए तो एसपी में आपको पहले से ही कंपनी से ही आपको वहां पे एलईडी लैंप दे दिया जाता है। अब आप उसे चेंज करवाओगे या फिर उसमें बड़ा लैंप डलवा दोगे तो उससे जो क्या होगा कि आपकी नाइट राइडिंग के वक्त काफी अच्छी रोशनी भी नए वाले बल्ब से अगर आप बड़े वोल्टेज का डलवाओगे तो वो मिल जाएगी। लेकिन अब आप ऐसा ही अगर ग्लैमर में करने जाओगे तो वहां पे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ग्लैमर का जो लाइटिंग सेटअप है या तो फिर दूसरी 125 सीसी बाइक का जो लाइटिंग सेटअप है वो डिजाइन किया जाता है स्पेशली हैलोजन बल्ब के लिए, जबकि जो एसपी है वहां पे आपको स्पेशली एक एलईडी लाइट के लिए डिजाइन किया गया हुआ लाइटिंग सेटअप मिल जाता है। इसीलिए वहां पे आप चेंज करके भी अगर बड़ा बल्ब भी डलवा दोगे तो वो आपकी नाइट ड्राइविंग को काफी ज्यादा इफेक्टिव कर देगा और साथ ही साथ आपकी बाइक के लुक को एक बड़ी स्पोर्ट बाइक वाली लुक भी प्रोवाइड करके देने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, जो कि एक काफी रेयर फीचर है जो इस सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ ये फीचर इस बाइक को एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक में भी कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच वाला जो फीचर है वो आपको ज्यादातर जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक्स आती है वहां पे ही देखने को मिलता है, ना कि कोई कॉमन सी कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक। लेकिन वो फीचर आपको यहाँ पे एसपी में अवेलेबल करवा दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट पॉइंट रहने वाला है, कि जिसकी वजह से आपको एसपी प्रेफर करनी चाहिए, वो है एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एसपी की जो सिटिंग पोस्चर है वो एक डाउन साइड, इसी डाउन साइड में आपको देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो सीटिंग पोस्चर है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रह जाती है और साथ ही साथ आपके हाथों की जो हैंडल रीच रहेगी वो भी काफी ज्यादा सुपीरियर रहेगी, जिससे आप लंबे रूट पे भी अगर जाओगे तो आपके हाथ में दर्द होने के चांसेस या तो फिर आपके पीठ में या फिर नेक पेन होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। यानी कि अगर आप एक लॉन्ग राइडिंग के लिए कोई बाइक फाइंड आउट कर रहे हो तो भी वहां पे एसपी की तरफ आपके लिए एक बार देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो बाइक आपके लिए काफी ज्यादा शानदार राइडिंग क्वालिटी भी लेके आ जाती है। तो अब मुझे पता नहीं कि मैंने एसपी के कितने पॉजिटिव पॉइंट बताए, जितने मुझे उस बाइक को देखने के बाद ध्यान में आया उतने मैं आपको बताता गया। हालांकि एक प्रॉब्लम जो है वो मेजर प्रॉब्लम आपको एसपी में देखने को मिल जाती है, वो है इस बाइक की रियर टायर, क्योंकि रियर टायर वहां पे आपको छोटी मिलती है इन कंपेयर टू दूसरी जो 125 सीसी की बाइक है उनके मुकाबले। अगर ये एक प्रॉब्लम इस बाइक में सॉर्ट आउट हो जाती तो नो डाउट मेरे हिसाब से ये 125 सीसी सेगमेंट की बेस्ट बाइक्स में से एक होती। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और हाँ मैं आपको एक बात और सजेस्ट कर दूं कि अगर आपको मैंने जो प्लस प्लस पॉइंट्स बताए यही अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि आप चाहते हैं यही सब चीजें आपकी होने वाली नेक्स्ट बाइक में हो तो आपको एसपी की तरफ 101% एक बार देखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बाइक है जो कि 125 सीसी सेगमेंट तो बिलोंग करती है लेकिन लुक वाइज वो 160 सीसी वाली बाइक जैसी लगती है। यानी कि कम दाम में आपको एक स्पोर्ट बाइक प्रोवाइड कर दी जाती है होंडा की तरफ से। तो अगर आप ऐसी बाइक परचेस करना चाहते हैं तो एसपी आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो बस दोस्तों यही थी हमारे आज की वीडियो, आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।